नमस्कार, स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं चशुला, आप टेक्निकल अक्षर चांदो चो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ स्पाइस मनी के डीएक्टिवेट अकाउंट को आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं 2 मिनट में। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि स्पाइस मनी से हम सभी कस्टमर को सर्विसेज देते हैं और उससे हमें कमीशन मिलता है। सर्विसेज कौन सी होती हैं, जैसे कि एपीएस सर्विसेज है, आधार कार्ड से कैश विड्रॉल करना हो या डिपॉजिट करना हो या फिर मनी ट्रांसफ़र करना हो या फिर हमें बिल पेमेंट्स करना हो, रिचार्ज करना हो, ट्रेन रेल टिकट बुक करना हो, पैन कार्ड बनाना हो, इस तरह के कई सारे सर्विसेज हैं स्पाइस मनी पे जिससे हम कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उससे हमें कमीशन मिलता है। ऐसे में कई बार क्या होता है कि हमारी जो है आईडी वो सस्पेंड हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है किसी कारण से, और फिर हमें उस आईडी को दोबारा कैसे एक्टिवेट करना है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो हमारे एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय के फटाफट शुरू करते हैं। स्पाइस मनी पर रजिस्टर करके आप फ्री में यूजर आईडी पासवर्ड कैसे ले सकते हैं, इस पर मैंने पहले वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम अपना जो है स्पाइस मनी का अकाउंट यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूँ तो हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है हमारे अकाउंट पे, यहाँ पे लिखा हुआ है आईडी डीएक्टिवेटेड इनिशिएट रीकेवाईसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आईडी जो है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। अब इसे हमें एक्टिवेट करना है, तो कैसे करेंगे कंप्लीट प्रोसेस आपको लाइव दिखाऊंगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया फिर लाइक कर दीजिए। यहाँ पे इनिशिएट रीकेवाईसी के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरह से अधिकारी रीकेवाईसी फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पैन कार्ड के सामने फिल पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना पैन नंबर डालेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे कंफर्म एंड कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करेंगे। हमारा जो है यहाँ पे पैन कार्ड की डिटेल आ जाएगी, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो यहाँ पे पैन कार्ड के सामने अपलोड पर क्लिक करेंगे और अपने पैन कार्ड का फिजिकल फ़ोटो जो है, फिजिकल पैन कार्ड का कॉपी यहाँ पे अपलोड कर देंगे। मेरे पास ई पैन कार्ड था तो इस तरह से मैं अपलोड कर देता हूँ। अगर आपके पास दूसरा प्लास्टिक वाला होगा तो उसका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। फ़ोटो अपलोड करके ओके करेंगे और यहाँ पर हम नीचे कन्फर्म कर देंगे। उसके बाद हमारा पैन कार्ड के सामने यहाँ पर टिक लग चुका है, पैन कार्ड वेरीफाई हो चुका है। अब आधार ई केवाईसी के सामने फिल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर हम आधार नंबर अपना डालेंगे और फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आई एक्सेप्ट जो है टू आधार कंसेंट, इस पर टिक करेंगे। आधार कंसेंट यहाँ पे हम पढ़ना चाहे पढ़ लेंगे। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो है फिंगरप्रिंट डिवाइस मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करना होगा, जैसे मेरा मंत्रा डिवाइस है और ये कनेक्ट है यहाँ पे, और फिर हम फिंगर स्कैन करेंगे। यहाँ पर हम आई डी सर्विसेस ओपन करते हैं मंत्रा का और यहाँ पर देखिए हमारा डिवाइस जो है कनेक्ट हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं डिवाइस कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली, मॉडल नंबर सीरियल नंबर यहाँ पे आ चुका है। अब दोबारा स्पाइस मनी पे आता हूँ और यहाँ पे हम अपना स्कैन करता हूँ और बायोमेट्रिक अपना लगाता हूँ स्कैनर पे, और फिर हमारा जो है आधार जो है डिटेल वेरीफाई कर लेगा, हमारी आधार कार्ड की डिटेल जो है हमारे सामने आ जाएगी और ई केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ बैक टू होम करेंगे और फिर हम यहाँ पे क्लिक किए लाइव सेल्फी, एक सेल्फी क्लिक करना है तो यहाँ पे क्लिक के ऊपर सिंपली क्लिक करना है, यानी फ़ोटो आपको लेना है अपना। और फिर यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे और हमारा यहाँ गोल्ड सर्कल में अपना जो है फेस रखेंगे और एक बार आँख ब्लिंक करेंगे तो ऑटोमेटिक एक फ़ोटो कैप्चर कर लेगा और आपके सामने इस तरह से टिक लग जाएगा। उसके बाद वर्क प्लेस, यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, जहाँ पे भी आपकी शॉप होगी, दुकान होगी, तो यहाँ पे अपना पहले शॉप का नाम डालेंगे और कितने बजे से कितने बजे तक तो वो ओपन रहती है वो यहाँ टाइम सेलेक्ट करना चाहें कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है 9 से 6। और यहाँ पे अपना एंटर योर शॉप पिन कोड, यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डालना है जहाँ पे आपकी शॉप होगी। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपने आप आ जाएगा, यहाँ पे अपना ग्राम पंचायत अगर गांव से हैं तो डाल देंगे, शहर से हैं तो अपने शहर का जो है उस एरिया का नाम डालेंगे। और फिर यहाँ पे नीचे अपना एंटर योर शॉप एड्रेस में अपना पूरा एड्रेस, अपने दुकान का, अपने शॉप का पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे और फिर डिक्लेरेशन के सामने जो है यहाँ सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और यहाँ डिटेल आ जाएगी। सिंपली हम यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी हमारे सामने। यहाँ पर हमें अपने हाथ से कुछ इस तरह से यहाँ पर सिग्नेचर करना है, यही स्क्रीन पर अपने हाथ से सिग्नेचर, जैसे भी आप सिग्नेचर करते हैं कर देंगे इस तरह से, और इस सिग्नेचर को सेव कर देंगे, यहाँ नीचे सेव कर देंगे। फिर यहाँ पे हम आई अग्री करेंगे, आई अग्री के सामने जो है टिक करेंगे चेकबॉक्स पे और कंफर्म एंड कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे हम यस कर देंगे।
जीपीएस ओपन होगा यानी गूगल मैप ओपन होगा, और यहाँ मैं मैप से अपना जो है दुकान यानी शॉप की लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, कन्फर्म कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सभी पे टिक लग चुका है यानी सभी जो है वेरीफाई हो चुका है। अब सबमिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुल हो चुकी है, अधिकारी रिकेवाईसी हमारा हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आप जो है ये अप्रूव भी हो चुका है, एप्लीकेशन अप्रूवड यहाँ पर लिखा हुआ है बाय स्पाइस मनी। अब क्या करना है, इसे हम यहाँ पे दोबारा लॉगआउट कर देंगे और फिर से हम लॉगिन करेंगे। लॉगआउट करने के बाद दोबारा फिर से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आप सभी सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब हमें पॉपअप में स्क्रीन पे नहीं आ रहा है कि आपकी आईडी जो है डीएक्टिवेट है, एक्टिवेट कीजिए। अब यहाँ पे हम फाइनली लॉगिन हो चुके हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे सर्विसेज हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको सब जैसे आपको पता ही होगा सर्विसेज कैसे इस्तेमाल करते हैं, नहीं पता तो इस पर मैंने पहले वीडियो बनाया है कि स्पाइस मनी का जो है आईडी कैसे लिया जाता है फ्री में और इस सर्विसेज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कमीशन कितना मिलता है, ये सब हमने पहले वीडियो में बताया हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप डीएक्टिवेट अकाउंट को आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपने स्पाइस मनी के फ्री में 2 मिनट में। आपको ज़्यादा वेट इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुरंत ये अप्रूव हो जाएगा, जैसे सबमिट करेंगे तुरंत अप्रूव हो जाएगा और आप फिर इस्तेमाल कर पाएंगे अपना जो है स्पाइस मनी का अकाउंट। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो कमेंट करके जरूर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।